अच्छा उपाध्याय जी, देखिए दिक्कत क्या है कि कोई भी पार्टी होती है, कोई भी राजनीतिक दल है देश के किसी भी हिस्से का, उसको कोई ना कोई तो आइडेंटिटी चाहिए। वो अपने आप को किसी वोटर से जोड़ने के लिए कोई ना कोई पहचान क्रिएट करता है, और अब जैसे ही आप वो करेंगे तो वो उसमें बंटवारा जो है समाज का वो उसमें निहित है, वो होगा ही होगा। देखिए सौरभ जी, भारत की जो सांस्कृतिक बहुलता है और जिस तरह से धार्मिक और क्षेत्रीयता का जो भाव है, क्षेत्रीयता यदि देश के विकास के में काम आए तो मुझे लगता है देश की उन्नति में वो बाधक नहीं साधक हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी विचारकों का, भारतीय विचारकों का ये विचार है, और सभी पार्टियों ने किसी न किसी रूप में क्षेत्रीयता, क्षेत्रीय अस्मितता को भी बढ़ावा दिया, तभी क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय भाषा चुनाव के टाइम में क्षेत्रीय बात विचार आचार व्यवहार का प्रयास करती है। पहली बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, दूसरी बात, भारत के संविधान में भी, सुनिए ना, भारत के संविधान में भी 22 राष्ट्रीय भाषाएं जो है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को भी कहीं ना कहीं रियायतें दी गई है। यही बहुलतावाद है, अनेकता में एकता भारत की पहचान है। इस पहचान को बनाए रखना, विभिन्न फूलों के अंदर जो ही गुलदस्ता जो है हमारा तैयार होता है, और जो ये देश है, ये देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय के लोगों का है, सबकी अपनी पहचान, लेकिन संविधान के दायरे में हो, संविधान से बाहर होकर कोई नहीं। देश की जब बात आएगी सभी चीजें छोटी हो जाती है, देश बड़ा है और देश प्रथम है, हम भी मानते हैं और ये सभी को मानना चाहिए, इसमें कांग्रेस, भाजपा और किसी पार्टी का और दल का नहीं। सर देखिए, आज तो चर्चाएं इस खतरनाक लेवल पर पहुंच गई हैं कि आप बोले ना कि दक्षिण उत्तर को ढो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये राज्य कमा रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं जिनको सियासत चल रहा है। सुनिए ना, सियासत करने वाले बंटवारे की राजनीति इस देश में कौन किया? मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, शमशान के नाम पे, फिर जब बात नहीं बनी तो उत्तर और दक्षिण के नाम पे, पूर्व और पश्चिम के नाम पे, मणिपुर के नाम पे, कभी मिजोरम के नाम पे, एक ही पार्टी कर रही है, एक ही पार्टी बार-बार कर रही है। भाजपा का ये कांग्रेस का कुकर्म है, आपका ये चरित्र है, कांग्रेस का कुकर्म है, आपका ये चरित्र है, इस देश को बांटने का। आप सदैव यही कुकर्म करते रहे हैं, कभी कभी मंदिर के नाम पे करते हैं, कभी मस्जिद के नाम पे करते हैं, पूरा देश देख रहा है आपको। बताता हूँ क्या धर्म के नाम पे आपने क्या क्या नहीं किया, कभी किसी धर्म के लोगों को मारते हैं, कभी किसी धर्म के लोगों को। कांग्रेस ने सौरभ जी, ये बांटने वाली देश में भगवान राम को काल्पनिक क्या एपिडेमिक डाल दिया? राम सेतु को तो सोनिया गांधी ने कहा बगैर हो नहीं सकता था। अरे आपके आपके गृह मंत्री ने कहा ये संभव नहीं था जो भगवान राम को काल्पनिक है वो काल्पनिक, और ये काल्पनिक क्या के एपिडेमिक दिया इन लोगों ने? हिंदू को आतंकवाद का आतंकवादी का दर्जा दिया आपने कहा, इसी कांग्रेस पार्टी ने पूछ लीजिए हिंदुओं को आतंकवादी का, ये आपकी बात की राजनीति थी, ये तुष्टिकरण की राजनीति थी आपकी। अच्छा चल, एक जहां से हमने चर्चा की शुरुआत जहां से की थी, जब एक बात वो चली तो उपाध्याय बंद कीजिए, ठीक उपाध्याय दिया था कि नहीं, जाति और धर्म के नाम पे देश को बांटना दिया था कि नहीं, पूरा देश जानता है दिया था कि नहीं एपिडेमिक। अरे राम काल्पनिक एफिडेविट दिया था कि नहीं? अच्छा राम दिया था कि नहीं? सत्यम को क्या दिया था कि नहीं एफिडेविट? आपने दिया है एफिडेविट, क्या सुप्रीम कोर्ट में झूठा बोल रहे हो? अरे राम समुद्र सेतु हलाल गंगा आपने दिया है, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया ही नहीं। अब तो राम मंदिर बन रहा है ना, रामचंद्र ने, अब तो राम मंदिर बन रहा है, आपने सुप्रीम कोर्ट में बहस फिर किसी और दिन दिया या नहीं जरा बताइए ये जनता को, ये बहस जो है इसके बाद हम फिर किसी और दिन करेंगे। जहां से बात हमने शुरुआत की थी कि आज की जाति धर्म के हर देश की चुनावी राजनीति की एक हकीकत है। उपाध्याय जी सुने तो, आप उस वक्त शुरुआत में दो मिनट नहीं पहुंच पाए थे।